तो चलिए शुरू करते हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम लोग सुबह जो है उठ चुके हैं और नहा धो के हम लोग रेडी हो चुके हैं, क्योंकि हमने आपसे कहा था कल आज हमारी ट्रैकिंग है जो कि भी स्टार्ट होने वाली आधे घंटे में। अभी टाइम हो रहा है 9:30 और अभी आधे घंटे में 10 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट है जो कि पहाड़ों से होते हुए और आगे ऊपर बर्फ भी है और क्या कहते हैं पूरी ट्रैकिंग है हमारी, जिसमें गाइडर साथ में रहेगा हमारे और पूरा मतलब करवाएगा गाइड वगैरह। और हम लोग रात को वहीं रुकेंगे जो कि हमारा ऊपर कैंप है, हम लोग वहीं रुकेंगे कैंपिंग में। और कल रात को होते मतलब 24 आवर्स के बाद हमारी नीचे एंट्री होगी और देख सकते हो सबने एक जैसी जैकेट पहनी जो कि हमने कल रात को खरीदी थी। ये देखिए कल जो खरीदी सेम जैकेट सबने पहनी है, देखिए सबने सेम जैकेट पहन रखी है जो हमने कल रात को खरीदी थी। तो चलिए चलते हैं ऊपर कुछ नया एडवेंचर करने। A few inches later. तो गाइस अभी हम लोग जो हैं यहाँ पे आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे, जहाँ से हमारा जो है पॉइंट स्टार्ट होने वाला है ट्रैकिंग का। यहाँ से 13 किलोमीटर का ट्रैकिंग का स्टार्ट होने वाला है, ये पॉइंट है ये देखिए जो कि देव कैफे है, यहाँ से हमारा ट्रैकिंग का स्टार्ट होगा। ये देखिए पीछे वहाँ हम पहाड़ों के पीछे में जाने वाले हैं, बर्फीली जगह ऊपर नीचे रास्ता, मतलब काफ़ी अच्छी ट्रैकिंग होने वाली, मज़े काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं। बाकी हमने ये डंडे वगैरह ले चुके हैं ये देखिए, तो अभी हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं अभी 5 मिनट में और फिर आपको दिखाते हैं। जय भारत। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? होली वाले दिन है, हमने हम लोगों ने सोचा कि होली तो हम लोग डेली मनाते ही हैं, हर साल रंग लगाते हैं, लट्ठमार होली मनाएंगे, किसी ने सोची ना होगी बर्फ वाली होली खेलेंगे, तो काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं। बाकी ट्रैकिंग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस हम लोगों का जो है ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई यहाँ से पॉइंट, और ऊपर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, 0% नेटवर्क पर 100% सुकून। तो ये देखिए पूरी टीम चल रही है हमारी, पीछे और भी लोग हैं पूरे, मतलब कम से कम 20-30 लोगों का ग्रुप है, हमारा गाइडर है हमारे साथ। ये देखिए पीछे व्यू देखिए आप, यहाँ से जब व्यू, जय मजे तो बहुत ही आने वाले, व्यू काफी अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। जब अभी अपन को यही अच्छा व्यू मिल रहा है तो ऊपर सोचिए कितना बेहतरीन होगा। पर अपने साथ ये बैग भी ले जाना पड़ रहा है तो थोड़ा और मुश्किल हो रहा है, और ऊपर से धूप भी है। तो गाइस अभी हम लोग जो है 2 किलोमीटर चले हैं, बस 2 किलोमीटर, और सबकी तो पता नहीं मेरी आदत जरूर खराब हो रही है, मुझे अपने घर जाना है। बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है, पर ये है आज का दिन है सुहाना, हमें जल्दी नहीं जाना, जाना। वो अच्छे वाली होली खेलते नीचे, क्या होती लगती। तो गाइस मजे तो काफी आ रहे हैं, पर सजा भी काफी मिल रही है, मतलब है इंटरेस्टिंग है, जिसे एडवेंचर करने का मन करे वो आ सकता है। बाकी ये देखिए काफी मुश्किल, तो गाइस ये देखिए काफी इंटरेस्टिंग ट्रैक है, कैसे आना पड़ता है ये देखिए, मतलब काफी एडवेंचर भरा ये वो है, ये देखिए अब कैसे चढ़ना है, ये देखिए काफी मतलब इंटरेस्टिंग, और ये देखिए मतलब व्यू भी अच्छा मिल रहा है आगे चल के। अभी सिर्फ हम लोगों ने 2 किलोमीटर पार किया है, ये देखिए कैसे मतलब काफी इंटरेस्टिंग है और रिस्क भी काफी, ये देखिए कैसे ब्रिज, मतलब ब्रिज देखिए कभी भी टूट सकता है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा लें और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। तो गाइस क्रिस्थ्री वाला पूरी शूटिंग व्यू काफी अच्छा, ये देखिए पूरी शूटिंग जहाँ मतलब ये जो शूटिंग वाली एरिया है ये सब यही है, झंडे बढ़ने मतलब कैसे चढ़ना पड़ रहा है, शाहरुख खान लाइट शाहरुख खान। तो गाइस मजे तो काफी आ रहे हैं वैसे, पर ये भी है कि हाँ हालत भी खराब हो रही है। तो व्यू देखिए आप, मतलब बीच में पहाड़ों के बीच में हम लोग हैं अभी, ये देखिए झंडा भी है यहाँ पे,
मतलब मज़े भी काफ़ी आ रहे हैं बट थकावट भी काफ़ी हो रही है, पर लोग कह रहे हैं ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे मज़े आएंगे। ये देखिए होया अब ऊपर से सस्ते में कुछ नहीं मिलती ब्रो। आओ 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 आयो भाई लोग ऊंचे में बोला थी मेरे पहले। 2 hours later तो फाइनली गाइस हम लोग जो हैं पहुंच चुके हैं हमारे अपने टेंट पे जो ऊपर है। नीचे इन्होंने बोला था तो 12 किलोमीटर पर ये कम से कम निकला 15 किलोमीटर। काफ़ी ज़्यादा मतलब मज़े भी आए पर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब तो बस ये सोच रहे हैं कि जैसे तैसे करके बस लेट जाएं। अभी यहाँ जो है बॉन फायर होगी और फिर जो है खाना पीना खा के इंजॉय करके सो जाएंगे फिर सुबह। पर ये बात है सुबह का व्यू देखने लायक है। सुबह का व्यू दिखाऊंगा आपको। सुबह का व्यू मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको, देखने लायक है। मैं पहले दर्द हुआ पर ये भी बात है कि हाँ मज़ा आ गया। बाकी अभी दिखाते हैं जो कि व्यू काफ़ी अच्छा है। अभी रात को कुछ नहीं बस इंजॉय होगा खाना पीने फिर आपको दिखाते हैं कल का व्यू। तो खैर मज़े काफ़ी आए। बाकी अपना एक्सपीरियंस हम लोग आपको कल शेयर करते हैं। A few inches later. क्यों बिछड़ना है जरूरी ये नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और यहाँ पे इतने चल के आए हैं 15 किलोमीटर। तो नींद तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है। बाकी व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, व्यू देखिए आप। मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला तुझे है पाया रब से है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला। तो गाइस नाइट स्टे करके हम लोग जो हैं निकल चुके हैं वापसी नीचे जाने के लिए। हम लोगों ने नाइट स्टे कर लिया है हम लोगों ने और नीचे जाने के लिए रेडी हो चुके हैं और अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। पर मज़े भी काफ़ी आए पर थकावट भी काफ़ी हुई, हालत भी काफ़ी ख़राब हुई पर मज़े भी काफ़ी आए। और व्यू तो भाई साहब देखने लायक है। ये देखो एक बार गाइस लाइफ में ट्रैकिंग ज़रूर करनी चाहिए, हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मज़े भी काफ़ी आए। चलिए चलते हैं आपको और नीचे दिखा के। तो गाइस अभी हम लोग जो है 4 किलोमीटर चल के आ चुके हैं। वही देख कुत्ता जो है ये हमारे साथ ही चल रहा है। ये देखिए ये रहा कुत्ता, ये कुत्ता हमें रास्ता दिखा रहा है आगे आगे। ओह कि कैसे जाना है। ये कुत्ता हमारे साथ चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा थक भी गए हैं, हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। बाकी हम लोग चल रहे हैं 4 किलोमीटर चल चुके हैं। अब भी जो है 9 किलोमीटर बचा है। तो अब देखते हैं कैसे चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा थकावट हो रही है। हो काफ़ी जो भी काफ़ी अच्छा ही रही। कुत्ता ही हमारे साथ चल रहा है। देखिए ये हमें रास्ता दिखा रहा है।
शायद ऊपर ऊपर की पैर उस तरफ चले जाओ साल पड़ गया ये रास्ते ये वादियां और ये फिजा न जाने हमको ले चले कहां न जाने क्यों धुंधले हैं सब रास्ते क्या पल तो पल तो मिलना ही है लिखा Two hours later. तो finally guys हम लोग जो है आ चुके हैं ट्रैकिंग करके और काफ़ी ज़्यादा मतलब मज़ा आया काफ़ी ज़्यादा पर थकावट भी काफ़ी ज़्यादा हुई और हम लोग कितनी ऊंचाई पे थे हम लोग 1500 फीट की ऊंचाई पे थे और 15 किलोमीटर का ट्रैक था 15 किलोमीटर आना 15 किलोमीटर जाना यानी टोटल 30 किलोमीटर मज़ा भी काफ़ी ज़्यादा आया और ऊपर जाते व्यू तो भाई साहब व्यू एक नंबर था ऊपर का व्यू भी काफ़ी अच्छा था और पर थकावट भी मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गई है और खाना पीना सब उन्हीं की तरफ से था और मज़ा भी काफ़ी ज़्यादा आया एक्सपीरियंस भी पर हमारा मेरा ये पहला और आखिरी ट्रैक था इसके बाद ट्रैक नहीं करूँगा मैं मज़ा आया है पर ट्रैक नहीं करूँगा पहला और आखिरी ट्रैक था और इन्जॉय भी काफ़ी किया खैर जो भी हो जो होना था वो हो गया मज़ा भी आया और हम लोगों ने सोचा था पहले होली खेलेंगे होली में इवेंट ज्वाइन कर रहे थे पर हमने कहा होली तो हम लोग हर साल खेलते हैं पर कुछ अलग खेलेंगे इस बार अलग कुछ करते हैं तो इस वजह से हमने जो है ट्रैकिंग का फैसला किया तो फिर हम लोग ट्रैकिंग करने चले एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा बाकी अभी हम लोग आ चुके हैं भाई बताएंगे भाई कैसा रहा ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस बताइए हमारी ऑडियंस को भाई थकान इतनी है भाई पूछो मत बस हवा निकल गई गाइस बहुत ज्यादा हालत डाउन हो रखी है यहाँ पे सबकी तो हम लोग अपने द्वार से रिजॉर्ट में आ गए हैं ये जो हमारा रिजॉर्ट था कल वाला जो हमने आपको दिखाया था तो अभी हम लोग जो खाना खाएंगे इसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग थोड़ा घूम के आज रात की हमारी बस है रात को बस पकड़ी से दिल्ली भाई एक्सपीरियंस बताओ मजा आ गया हमारी ट्रिप जो है खत्म हो गई है फाइनली आई बैक टू होम वी आर बैक टू होम भाई एक्सपीरियंस बताओ अपना दिल गार्डन गार्डन हो रही है तो गाइस मजे तो काफी आए हम लोगों को हम लोगों ने सीसू भी कवर किया और सोलंग वैली भी कवर किया और खीरे गंगा ट्रैक भी कर लिया और कसौल भी मनाली भी वो पैराग्लाइडिंग भाई पैराग्लाइडिंग तो गाइस मजे काफी आए आप आए और जरूर एंजॉय करें शॉपिंग भी आ जाएगी हम सबने सेम सी टी शर्ट शर्ट वो जैकेट पहनी है और भाई आपको जब भी आना हो तो आप विजिट करना जिस होटल में हमने विजिट किया था बहुत अच्छा है और जेन्युइन रेट रहती है नाम बताओ भाई होटल का नाम है होटल है रिजॉर्ट रिजॉर्ट सॉरी हाउस ऑफ कसौल मतलब एक्सपीरियंस भाई मतलब यहाँ का चीज अच्छी लगी राफ्टिंग वाफ्टिंग हमने सब की हम कॉन्टेक्ट नंबर नीचे उसमें देंगे डिस्क्रिप्शन में तो आप देख लेंगे भाई डिस्क्रिप्शन होता है अच्छा अच्छा वो होता है आई एम सॉरी बाबू तो गाइस मजे काफी आए हम लोगों को भाई मैं मजाक में बोल रहा हूँ आप लोग कहीं मेरा मजाक उड़ाओ मजाक मत उड़ाना ये मैं मजाक में बोल पर ये बात है हम लोगों ने हर एक सेकंड एंजॉय किया हर एक सेकंड ये भी एक मिनट भी हम लोगों ने बिना एंजॉय के नहीं रहा मतलब हम नए जूते लेके आए थे या फटे जूते वापस लेके जा रहे हैं अच्छा इतना मजा किया हम लोगों ने तो गाइस मजे काफी आए हैं और खैर हम लोग की ट्रिप भी काफी अच्छी रही है खीरेगंगा ट्रैक में थोड़ी थकावट भी हुई है पर मजे भी काफी आए हैं अब हम बस पे जा रहे हैं हमारी बस है वापसी दिल्ली की हम लोग सुबह पहुंच जाएंगे उम्मीद करते हैं आपके ब्लॉग अच्छा लगा और ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और जो भी आपको पार्ट अच्छा लगा उसे कमेंट में लिखिए बी सेफ थैंक यू अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए।